हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो अभी हम लोग हैं चिंतपूर्णी माता जी के दरबार में और यहां से हम लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला व्लॉग नहीं देखा होगा तो देखना ज़रूर। हम लोगों ने दर्शन किए चिंतपूर्णी माता जी के और अब हम जा रहे हैं बगलामुखी माता जी की तरफ। तो आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा बगलामुखी माता जी का मंदिर और वहाँ के बारे में हम बताएंगे आप लोगों को कुछ बातें। तो साथ में है कुक्कू एंड शिवी। हेलो, जय माता दी। तो अभी दिन का टाइम हो गया है, रास्ते में चल के कहीं लंच भी करेंगे। मैं सोच रहा हूँ दर्शन कर लेंगे फिर लंच करेंगे और फिर बताते हैं आपको आगे क्या क्या करते हैं। अभी हम रोड पर ही हैं जो चिंतपूर्णी माता जी का रोड है। अभी मेन रोड पर हम पहुँचेंगे तो दिखाता हूँ आप लोगों को। ये आ गया चौक, यहाँ से हम जाएंगे लेफ्ट। ये देखिए आगे बगलामुखी माता के मंदिर के लिए क्या काफिला जा रहा है। सारा येलो, बस येलो कलर देख के पता लग जाता है कि बगलामुखी जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ येलो कलर की है। गाइस, आज आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी। बहुत सुंदर मंदिर है वो। तो माता का कुछ तो वो चल रहा है ना। हाँ, ये देखिए राधा कृष्ण बने हुए हैं, बैठे हुए हैं और इससे आगे वाली जो गाड़ी है उसमें शायद देखिए माता का कुछ रखा हुआ है। बहुत सारी गाड़ियां हैं। जय माता दी। जय माता दी। बिल्कुल स्लो चले हुए हैं और ये बहुत प्यार से है ना। जय हो, जय माता बगलामुखी। शायद हम पहुंच गए माता तक, ये पहुंच जाएंगे ना शायद। पर ये चल रहे बहुत आराम से, हम भी वहीं पे बैठेंगे आराम से टाइम स्पेंड करेंगे अपना। ये देखिए रास्ते में उनके लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं लोग। ये देखिए ये गाड़ी भी निकी है। कीर्तन भजन करते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ज्यादा मान्यता है यार बगलामुखी बहुत। हाँ चलो, हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ देखने का। सही है, हम वहाँ कुछ ज्यादा देर रुकेंगे तो ये भी पहुंच। वैसे ये बहुत स्लो चल रहे हैं, शायद शाम तक पहुंचेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो ये आए थे हम सुबह यहाँ से ज्वाला माता से और अभी सीधा जाएंगे बगलामुखी जी। लगा नहीं है बोर्ड? नहीं लगा। मेरे ख्याल से यहाँ से होगा 10-15 किलोमीटर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो शिवी अब सो गई है। शिवी ऐसे टाइम पे सोती है जब हम पहुँचने वाले होते हैं। अब हम इसको सोने देंगे गाड़ी खड़ी करके, है ना? ठीक है। हाँ सोने देंगे क्योंकि इसको पूरा सोने देंगे फिर दर्शन करेंगे आराम से, क्योंकि अब हमने घर ही जाना है, घर ज़्यादा दूर है नहीं। फाइनली हम पहुँच गए हैं मंदिर बगलामुखी जी, पार्किंग एवं लंगर। तो थोड़ा समझ नहीं आया, पार्किंग शायद नीचे ही, ऐसा लग रहा है मुझे। हमें आगे से घूम के आना पड़ सकता है वापस, या फिर इधर रोड साइड लगा सकते हैं। यहाँ पे इतनी भीड़ अभी है नहीं, वो काफिला आ रहा है, वो आएंगे तब भीड़ हो सकती है बहुत ज़्यादा, अभी तक तो नहीं है। और यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा भीड़ देखी भी नहीं है, तो संडे है फिर भी मुझे लगता है कि दर्शन हो जाने चाहिए अच्छे से। यही उम्मीद है यार, माता जी दर्शन करा देना अच्छे से आज हमारे। अब हम करके जाएंगे चाहे शाम हो जाए आज, अब नहीं टेंशन। तो एंटर हो गए पार्किंग में, पार्किंग में लगाते हैं यार गाड़ी। मैं लग गया हूँ लाइन में और कुकू और शिवी बैठ गए उधर। शिवी तो ये जो है मेरे को आगे ज्वाइन कर लेंगे। काफ़ी लंबी लाइन है लेकिन जल्दी जल्दी मूव हो रही है और यहाँ पे प्रसाद वगैरह। हाँ हाँ, हाय क्या हवाई, शांति मिल गई भाई, पसीना सारा पिघल गया, पसीना पसीना हो गया पूरे, मतलब ऐसा लग रहा है नहा रहे हैं। और मंदिर में पहुंच गए समझो, वो एंट्री होगी और वहां से बाहर। वाह, फिर बैठेंगे आराम से नीचे छाया में। साचे दरबार की जय, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय जय माता दी, जय बगलामुखी माता।
तो दोस्तों हो गए माता रानी के दर्शन, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं। अंदर बहुत ही प्यारी सी पिंडी बनी हुई है माता जी की, तो पिंडी रूप में ही दर्शन है यहाँ पर भी। और देखो कितना सुंदर मंदिर है, मैं इतनी बार यहाँ आया हूँ, जब खाली होता है पूरा मंदिर तब नहीं दर्शन किए, आज इतनी भीड़ में लाइन में लग के दर्शन किए हैं, तो मज़ा आया, कोई बात नहीं। और देखो यहाँ पे सब कुछ येलो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे येलो होती है हर चीज़, और यहाँ पे हवन वगैरह होता है। तो यहाँ पे सब कुछ येलो है, तो हमने भाई से पूछा तो भाई बोलता माता का फेवरेट कलर है येलो। सही बोला डायलॉग भाई ने भी। ये है माता की पिंडी, देखिए मूर्ति ये थी अंदर, है ना अंदर। हाँ, तो देखिए गाइस दर्शन करिए आप लोग भी, इस तरह का ये है, दर्शन कर लीजिए, क्योंकि अंदर वीडियो अलाउड नहीं होती है और फटाफट निकलना पड़ता है, भीड़ बहुत थी। कभी खुले टाइम पे आएंगे, आराम से जाएंगे। हाँ तो अब चलते हैं घर। शिवी वो फाड़ दिए उसने, फाड़ देंगे, टाटा बोल दो अब। लो आप ये लो, आप ये रखो। तो हम रुके हैं खाना खाने यहाँ पे, भूख लगी है जोरों की। 3 बज गए हैं, 3 बजे थे ना। आलू गोभी दूर कर दो, सेक लग जाएगा। तो खीरा हाल है, मैंने सैलेड एक्स्ट्रा मंगवाया है क्योंकि शिवी ज़्यादा पसंद करती है। शिवी को देखो खट्टा, तू क्या बोला इसको, खीरा दे दो सिर्फ, मैंने फेंक दिया नीचे खट्टा। शिवी क्यों हुआ, शिवी आपने खाना खाया कि बर्बाद किया, सच सच बताओ सबको, क्या दे, किसको डांट रही है? लोग सोचते हैं कि तो अच्छी बच्ची। हाँ हमने सैलेड लिया कि मैं सोचा शिवी सैलेड खाएगी, एक खीरा लिया फेंक दिया, दूसरा लिया फेंक दिया, टमाटर लिया वो फेंक दिया, क्या कर रही थी तू अंदर? हाँ वो किसको बोल रही है तू, तू धमकी देती है मेरे को? पापा को चुप हो जाओ, बोले पापा जी को। आप बोल रही है चुप, बोले पापा को चुप। उंगली उंगली तेरा ना मैं करूंगा इलाज, इसकी अगली बार खिलाता हूँ मैं तेरे को सैलेड, रुक जा तू, चुपचाप बेइज्जती और कराती है, सारा सामान इधर उधर फेंकती है। हाँ चुपचाप बोलो पापा जी, क्या पापा जी चुपचाप बोलो, गंदा बच्चा चुपचाप, सॉरी बोल, सॉरी कान पकड़ो, सॉरी बोलो, सॉरी, वो तू अपनी सॉरी बोल, सॉरी सॉरी पापा, बड़ी जैसी हो जा तू, तब बताता हूँ तेरे को तेरा ये चुलबुलापन। हाँ यहाँ डंडा रखूंगा मैं, यहाँ छोटी स्टिक रखूंगा मैं, ऐसे चुस मारूंगा फिर। हाँ मेरे को क्यों मार रहे हो आप? मामा को मारना बोला, मामा की गलती है ऐसा बोल रही है। अरे मामा ने नहीं मेरे को रोका बोला फेंकने से, है ना शिवी, मामा की गलती है ना। चलो गाइस चलते अब, शिवी ने ना काफ़ी तंग किया, और इतनी गर्मी, इतनी गर्मी की मतलब क्या बताऊँ यार। अच्छा भाई हम पहाड़ों में रहते हैं, और आप लोग बोलते हो कि नीचे वाले एरियाज घूमने, प्लान तो बहुत बनाया था मैंने, पर अब फिर सोचना पड़ेगा कि ऐसी सिर्फ दिसंबर नवंबर, नवंबर दिसंबर जनवरी ये 3 महीने जा सकते हैं हम कई बार, है ना, नहीं तो हमारे बस की नहीं है। यहाँ के लोकल लोग और पंजाब वाले जो घूमने आ रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए नॉर्मल है, लेकिन हमारे तो मतलब सब कुछ गीला हो जा रहा है। और शिवी तक हो ये तो मेहनत तक नहीं करती, चलती भी नहीं फिर भी इसके पसीना आ जाता, देखो। चलो अब चले चले, अब रास्ते में रुकेंगे, बढ़िया बढ़िया व्यू दिखाएंगे आपको, और रास्ते में कहीं रुकेंगे, शाम के टाइम चाय वाय पियेंगे, घर अभी यहाँ से काफ़ी दूर है। टपरी में बैठ के चाय पी। अच्छा टपरी किसने बनाई है? जा मिलेगी। अच्छा। भी खाना है मैंने आज। अच्छा ख्वाब तो बहुत है आपके भाई, चलो सीट बेल्ट लगाओ तो फिर। मैंने लगा दिया। शिवी तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने एरिया में, घर से हैं 5-6 किलोमीटर दूर। ये नीचे जो एरिया दिख रहा है ये है बैजनाथ, ये देखिए, और अभी हम बीड़ पहुंचने वाले हैं। कैसा रहा सफर, हेक्टिक है ना, अब आएगा मज़ा यार, अपना इलाका इतना अच्छा है, कितनी ठंड है ना, कुछ भी हो वहाँ कितनी गर्मी थी, यहाँ देखो कितना चिल है, ठंडी वाई बारी, और देखो जंगल ग्रीनरी, मज़ा आ गया यार कसम। हाँ
पानी दो पानी भाई। शिवी मम पानी को बोलती है मम। पापा भी पिएगा। शिवी चेस चेच चेच। ओ तो यार बहुत ही मस्त जगह है ये, मस्त। बैजनाथ के पास है, अवाहीनाग मंदिर से जोगिंदर नगर की तरफ को रोड जाता है, वहाँ पे है ये वैन लगी हुई है, फूड वैन। बहुत मस्त टेस्टी, बहुत टेस्टी बोल रहा हूँ, वो तो खा के पता चलेगा, पहली बार बैठे हम। ये लगी है फूड वैन, स्वराज मादा की बस है ये। बहुत ही सही नज़ारे। यहाँ से गमला भी लेना है, कुकू नहीं तो छोड़ेगी नहीं। भाई गमला कितने का है ये वाला ना? पूछ लेता हूँ उसको। चलिए गमला ले लिया मैंने, रख दिया गाड़ी में। यहाँ तो खाने लग पड़े हैं, ठीक है, बेच तो नहीं है ज़्यादा। शिवी बत्तू खाना, दही तो लेनी इसके साथ नहीं। फ्राइड राइस और मोमोज मैं डालता हूँ मिर्च, शिवी के लिए बिना मिर्च खाना। दे बोला जल्दी दे भाई शिवी को, तू इतना वेट करा रही है उससे। तो यार बहुत टेस्टी है मोमोज और फ्राइड राइस, लेकिन इसको भूख नहीं और इसने बताया नहीं पहले ढंग से, तो अब इनको पैक कराते हैं, घर में खाएंगे शाम को, है ना? ठीक है मम। कितनी खुश हो रही है, पानी पीने की इतनी खुशी। तो दोस्तों पहुंच गए हम लोग घर, और ये नीचे है शिवी और शिवी की दादी, मिल गए भाई, दो ही दिन हुए थे और इतने दादी मिस कर रही थी इसको। और यार अभी सनसेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर, पूरा ऑरेंज बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अभी चला गया वो वाला रिफ्लेक्शन, देखो कितना सुंदर सनसेट हो रहा था नीचे। जू से जब हम आए ना गाड़ी में, बहुत भयंकर रिफ्लेक्शन पड़ रही थी गाड़ी पे, लेकिन यहाँ से नहीं आ रहा है। अच्छा अगर अभी हम लैंडिंग जाएं तो वहाँ से आएगा। वाह क्या सनसेट है भाई। तो यार कुछ भी कहो, यहाँ पे ना गर्मी बहुत कम है, बहुत ही कम। सुबह और शाम तो यहाँ ठंड भी लगने लग पड़ी है, आजकल जुकाम होने लग जाता है। तो अभी हमें 15-20 दिनों में तो हमें स्वेटर जैकेट भी पहनने पड़ेंगे सुबह शाम, और वहाँ हमारी हालत ख़राब होगी गर्मी से। तो अब इस सीरीज़ में इतना ही था, सीरीज़ थी छोटी सी जिसमें हमने 2 दिन में 5 माता के दर्शन किए। तो आप लोग बताना कैसी लगी आप लोगों को वीडियोस, और अच्छी लगी होगी तो यार एक ये प्लेलिस्ट है ऊपर आ रही होगी, तो उसको शेयर कर देना प्लेलिस्ट को, और वीडियोस को भी शेयर करना और कमेंट करना कैसी लगी आपको वीडियोस। और अब जो है बरसात ख़त्म हो गई है, तो अब फ्लो बढ़ाएंगे, वीडियोस फटाफट आएंगी, और बस आप लोग कुछ सजेशन देते रहिए, हम लोग उनको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, और ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए फिर टाटा बाय बाय। सनसेट के लिए आया था ऊपर, सनसेट तो वैसा दिखा नहीं, और शिवी नीचे देखो, शिवी शिवी दादी के साथ मस्त है, अब नहीं देखेगी हमें। टाटा टाटा बाय।